कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के कोऑर्डिनेटर अमिताभ दुबे को प्रदेश कांग्रेस समिति ने घोषणा पत्र का प्रारूप सौंपा है, जिसमें करीब 27 बिंदुओं का जिक्र है। पार्टी जल्द घोषणा पत्र जारी करेगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, घोषणा पत्र समिति ने रिपोर्ट सौंपा, पार्टी जल्द घोषणा पत्र जारी करेगी। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के कोऑर्डिनेटर है अमिताभ दुबे, और अमिताभ दुबे को प्रदेश कांग्रेस समिति ने घोषणा पत्र का प्रारूप सौंपा है, जिसमें करीब 27 बिंदुओं का जिक्र है। पार्टी जल्द ही घोषणा पत्र जारी करेगी। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पार्टी अब घोषणा पत्र जल्द ही जारी करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से, जहां घोषणा पत्र समिति ने सौंपा है, घोषणा पत्र के स्वरूप को समिति ने सौंपा है। कांग्रेस मैनिफेस्टो के एक स्वरूप को कोऑर्डिनेटर स्क्रीनिंग कमेटी की अगर बात कर लिया जाए, एक हालांकि स्वरूप को सौंपा गया है, अब जल्द ही घोषणा की जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि जो भी झारखंड प्रदेश का मैनिफेस्टो हो, उसे हम अपने शीर्ष नेतृत्व के को दें, उनको इनके सामने रखें, उनकी जो भी उनके सुझाव हैं, माननीय खड़गे जी के, राहुल जी, सोनिया जी और जो भी हमारे सीनियर नेता हैं, सारे सजेशंस लेके फाइनल करेंगे। कुछ पार्टियां हैं जो अपने घोषणा पत्र को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, वो एजेंसी द्वारा लिखवा देती हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता से मैनिफेस्टो को देखती है। जो हमारा घोषणा पत्र होगा, हम हर एक 6-6 महीने में सोशल ऑडिट करेंगे और हम उसमें देखेंगे कि कौन सा जो हमारा घोषणा हुआ है उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके संबंध में हम लोग इसको सोशल ऑडिट के मतलब समय समय पर उसका समीक्षा करेंगे, ताकि जो घोषणा जो मैंने कहा आपको, आदरणीय राहुल जी ने कहा है कि भाई रियलिस्टिक, मैंने हम जितना काम हम कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों को हमको। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।